फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कैसे आप अमेजोन यूके में सेल कर सकते हैं। इसके पहले मैंने 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, बट अभी लेटेस्ट डिटेल्स के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अमेजोन यूके में आप इंडियन कंपनी के थ्रू अकाउंट अपना खोल सकते हैं। इंडिया से अगर आपको यूके में सेल करना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होगा, देखिए यहाँ पे आपके एक सोल प्रोप्राइटर या प्राइवेट लिमिटेड या कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस होना चाहिए। उसके साथ यहाँ पे जीएसटी आपको रिक्वायर्ड रहेगा, एक करंट अकाउंट रिक्वायर्ड रहेगा और फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, एक आईडी प्रूफ भी लगेगा। तो यूके में नॉर्मली आपसे आपका पासपोर्ट भी मांगा जाता है, जो ऑथराइज सिग्नेटरी या जो कंपनी हैंडल करते हैं, सोल प्रोप्राइटर है, उसका पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए मांगा जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहेंगे। पासपोर्ट के अलावा एक ऑल्टरनेटिव भी है, तो वो भी आप आईडी प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं, बट पासपोर्ट रहेगा तो इजीली आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाता है। तो ये यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपके चार्जेस क्या लगेंगे, आप अमेजोन यूके में अगर सेल करते हैं तो आपको 25 पाउंड, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, 25 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे, जो इक्वलेंट टू $30 के आसपास होते हैं। ये मंथली फी आपको लगेगी। इसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी यूएस में अकाउंट है, दोनों अकाउंट्स को आप क्लब कर लेंगे, तो वहां पे आपको एक सिंगल फी लगेगी। फर्स्ट मंथ चार्ज होंगी सारी फीस, उसके बाद से सिर्फ आपको डिस्काउंटेड एक सिंगल फी ही वहाँ पे चार्ज होगी। तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो यूके के साथ आपको टोटल 5 कंट्रीज का एक्सेस मिलते हैं, तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, तो ये सारी कंट्रीज में भी आप यहाँ पे सेल कर पाएंगे जब आप यूके की फीस पे करेंगे। अभी कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो यूके में डिमांड में, इंडियन प्रोडक्ट्स कौन से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, स्पेशली यूके एंड यूरोप में भी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन से प्रोडक्ट्स आप यूके में या पूरे यूरोप में डिमांड में हैं जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे ये अमेजोन का ही रिसर्च मैं आपको दिखा रहा हूँ। होम डेकोर, लेदर प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, टॉय, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, स्पाइस, तो ये बेसिक कैटेगरीज हैं, इन पे आप रिसर्च कर सकते हैं और इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में भी आप अपने स्टोर को लॉन्च कर सकते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, अगर अमेजोन में आप FBA करना चाहते हैं यूके में, तो देखिए सेल्फ शिप तो आप कर सकते हैं आपकी इंडियन कंपनी के बेस पे, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं रिक्वायर्ड है। बट आप चाहते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आप यूके में स्टोर करना चाहते हैं, वेयर हाउस में, अमेजोन FBA में आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूके का वैट जो है वो लेना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन भी इजीली हो जाता है, आपको उसके वेंडर्स मिल जाएंगे जो यूके का वैट रजिस्टर करते हैं। आपको वहाँ पे क्वार्टरली फाइलिंग करनी पड़ेगी, एनुअल फाइलिंग करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ FBA के लिए रिक्वायर्ड है, बट अगर सेल्फ शिप आप करते हैं, ऑर्डर आता है इंडिया से शिप करते हैं, तो उस केस में आपको यूके वैट नहीं रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको मैंने बता दिया है, प्रोडक्ट्स आपको बता दिए हैं। अकाउंट कैसे खोलना है, तो आप देखिए रजिस्टर नाउ, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने ये लिंक में डाल दूंगा यूके वाला, इसको ओपन करके आप सीधे साइन अप कर सकते हैं और अपना अकाउंट जो है खोल सकते हैं। 3 से 4 दिन वो एक वेरिफिकेशन करेंगे और आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आपको पता ही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सर्विसेज, अकाउंट मैनेजमेंट और अदर सर्विसेज के लिए आप हमारी वेबसाइट exportwala.com जा सकते हैं या नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय।